नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हां, आज हम मौजूद हैं लाजपत नगर के आसपास और मैं आपको बताना चाहूंगा आज यहां पर इटर्नल मेलोडीज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इटर्नल मेलोडीज के जो फाउंडर हैं राजीव कपूर जी, वो हमारे साथ हैं, जिन्हें किशोर कुमार की आवाज के रूप में भी जाना जाता है। ये एक जाने माने गायक हैं। सर से हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, इस कार्यक्रम के बारे में सर आपका क्या कहना है? ये जो कार्यक्रम है वो किस सुगमता के साथ, किस तरीके से आगे की राह को छू रहा है? इस प्रोग्राम का नाम है क्लोज टू माई हार्ट जी। मैं राजीव कपूर इटर्नल मेलोडीज का फाउंडर हूं और मैं पूरे हिंदुस्तान में हम लोग शो करते हैं इटर्नल मेलोडीज की जानिब से। हम जितने भी अपकमिंग टैलेंट्स हैं, चाहे वो यंग हैं चाहे वो सीनियर हैं, हर कैटेगरी के लोगों को हम ब्रेक देते हैं। यंग टैलेंट को तो सब ब्रेक देते हैं कि इनको स्टेज नहीं मिलता। उनको हम ग्रूम करते हैं और उनको ग्रूम करने के लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूं। मेरा जो बॉलीवुड एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है बड़े बड़े दिग्गजों से, 100 बॉलीवुड गाने मैंने रिकॉर्ड कराए बॉम्बे में अपने 12 साल के स्टे में, तो मैंने वहां जो सीखा है वो मैं इन बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूं और इनको नर्चर करते हैं हम, इनको ग्रूम करते हैं, उसके बाद हम इनके नाम से हम इनको शोज करते हैं। जी सर, इसके साथ साथ मेरा ये सवाल है कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है वे किस किस के सौजन्य और किस किस के समर्थन के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है? देखिए, ये एलिगेंस रिजॉर्ट जो एक कंपनी है, जिनके जो फाउंडर हैं सुरेंद्र उत्रेजा जी, वो उन्होंने आज इसको प्रायोजित किया है और 10 न्यूज हमारे ऑनलाइन मीडिया पार्टनर है। थैंक यू सो मच मिस्टर माली कि आप यहां पर आए और इस शो को आप लाइव दिखा रहे हैं पूरी जनता को। 4 लाख लोग इस समय इस शो को देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मिस्टर माली का। और बाकी हमको ये अभी हमारा ब्रांड बिल्डिंग चल रही है, ये मेरा 18वां शो है, 18th शो, और जो कुछ इसमें डेफिसिट हो जाता है वो हमें अपनी पॉकेट से लगाना पड़ता है। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो बाकी की बची हुई है मैं अपने संगीत को समर्पित करता हूं और करूंगा, अपनी लास्ट ब्रेथ तक म्यूजिक करूंगा। और दिल्ली में क्वालिटी म्यूजिक प्रोड्यूस करने की मेरी मुहिम जारी है और अच्छे अच्छे सिंगर्स को मैं स्टेज पर लाऊंगा। और ये मेरे सब गुरु जी की कृपा है। बड़े मंदिर जाता हूं मैं, उनके आशीर्वाद से जो भी हो रहा है ये मुझे नहीं पता कैसे होता है, ये सब उनकी महिमा है। आज भी देखिए इतना आंधी तूफान था लेकिन आप भी आए और इतने लोग भी आए, मिस्टर माली आए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इसके अलावा आज के कार्यक्रम में जो मुख्य गायक हैं उनके बारे में आप दो शब्द। मुख्य गायक जो है बहुत ही सुरीले हैं, बहुत ही मंझे हुए गायक हैं और कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनको मैं पिछले 2 साल से ग्रूम कर रहा हूं, जिसमें एक मोहित हैं और एक शालू अरोड़ा हैं। उनका जो ट्रांजिशन है 2 साल में, उन्होंने गजब का परफॉर्मेंस किया है और मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं इन बच्चों की जिंदगी में कुछ फर्क ला सकता हूं। अपने लिए पूरी दुनिया जीती है लेकिन अगर आप मैनकाइंड के लिए, आप ह्यूमैनिटी के लिए अगर जीते हैं तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है। ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, ये उनकी जो अपब्रिंगिंग है। तो मैं अपनी पूरी जिंदगी जो संगीत के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे संगीत आता है और एक अच्छा खाना बनाना आता है। ये दोनों कामों में खिलाना बहुत अच्छा लगता है और गाना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। जी सर, संगीत की दुनिया में शुरुआती जो लोग होते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज में संगीत की भूमिका को बताते हुए जो नव आगंतुक संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी है सिंसियरिटी, मेहनत। ये जितने भी बड़े दिग्गज देखते हो आप, सोनू निगम, सुनिधि चौहान और माइकल जैक्सन, इन्होंने 12-14 साल की उम्र में स्टारडम इनको मिल गया था। उसकी वजह यह थी कि जब बाहर बच्चे खेलते हैं तो वो खेलते नहीं है, वो रियाज करते हैं जी। उन्होंने अपना बचपन गंवाया है, जो आज वो ढूंढते हैं उनको मिलता नहीं है, लेकिन स्टारडम है उनके पास। वो शाहरुख खान ने किया है, सुनिधि चौहान ने किया, श्रेया घोषाल ने किया है, ये लिटिल चैंप्स के तौर पे आए थे आज इतने बड़े बड़े। और जो भी इस संगीत को परस्यू करना चाहते हैं, संगीत एक साधना है, ये हलवा नहीं है। या आप उठे, माइक पकड़ा और आपने गाना शुरू कर दिया, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। जैसे एक एथलीट और एक पहलवान सुबह उठकर 5 बजे मैदान में पहुंच जाते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, इसी तरह आपको रियाज करना है जी। लता जी कहती है कि अगर आप एक दिन रियाज एक सिंगर नहीं करता है तो वो 1 महीना पीछे चला जाता है। तो अगर आपको आपके मन में ऐसा है कि आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार बनना चाहते हैं, श्रेया घोषाल बनना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में से फेसबुक व्हाट्सएप को डिलीट करके
आपको मेहनत करना होगा, आपको 5 घंटा रियाज करना होगा, और सिर्फ रियाज नहीं, सिर्फ क्लासिकल से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी ग्रूमिंग तरह तरह के गाने गाने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ राग रागनी गाओगे, मैं बहुत सम्मान करता हूं शास्त्रीय संगीत का, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अपने टैलेंट को ढूंढ के आप ये नहीं बताएंगे कि मैं इस जॉनर से बिलीव करता हूं, मैं ये गा सकता हूं, तब तक आपको आपका वो आप अपने आप को ढूंढ नहीं पाएंगे। अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करिए, अपने गुरु को पूछिए कि आप क्या बेहतर करते हैं। जब आप आईने में खड़े होकर सामने गाते हैं तो आप देखिए कि मैं यहां पर कंफर्टेबल हूं। उस कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलिए, हर तरह के म्यूजिक को गाइए, आप बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, लेकिन शिद्दत और बहुत मेहनत से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका काबिले तारीफ व्यक्तित्व संगीत की दुनिया के हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जिनसे हमने बातचीत की। अध्यात्म से जुड़ते हुए भी इन्होंने अपनी बात को इतने तरीके में ढंग से रखा कि आज के जो नवागंतक संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिस तरीके की दिक्कतें उनके सामने आती है, तो वह कैसे, किस सिंसियरिटी को फॉलो करते हुए, अपने रियाज को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से संगीत की दुनिया में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। सर 10 न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमांशु शर्मा, 10 न्यूज इंडिया।